understanding every chart, there is a process. You need to follow the process step by step, step by step. What is there? What is there in the chart? पहले birth chart को completely समझ लीजिए, फिर वर्षफल पे जाइए, थोड़ा सा दशा पे जाइए, उसका मैं आपको शॉर्टकट दूंगा, and then stitch it and print it and share it, right? Like, and it is not necessary we will only talk about Venus. No, it is relationship in लाल किताब, relationship with Venus जरूरी नहीं है. लाल किताब में और बहुत सारे रूल्स लिखे हुए हैं, तो बताएगा when moon is in seventh house मैरिज कब करनी चाहिए? Anyone? When sun is seventh house मैरिज कब करनी चाहिए? Fine? Anyone? Moon 25 sir? हो तो 27 के बाद. Sorry? Moon 25? Moon 7 हो तो 27 के बाद. Moon 7 हो तो 27 के बाद? हाँ जी सर. क्यों? सर जब जिंदगी समझ में आ जाए तब करनी चाहिए. किसके समझ में आ जाए? जब जिंदगी समझ में आ जाए और ये समझ में आ जाए कि दूसरे को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं. दूसरे की बात भारत भूषण जी आप गलत क्लास में आ गए, ये ज्योतिष की क्लास है, साइकोलॉजी की नहीं है. मैं सर जनरल 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 की बात ना करिए, जनरल वाले कोर्सेज अलग है, ये स्पेशल कोर्स है. सर 25 किसका? सन का? समून. हाँ मून 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 आईशा मून का तो 24 होता है ना. मून का तो एक्टिवेशन एज 24 होता है. हाँ सो उसके बाद 25 आ गया ना सर. मैं तो पूछ रहा हूँ 25वें साल में शादी किसको करनी चाहिए? वीनस वाले को. वीनस मुझे नहीं पता, मैं पूछ रहा हूँ. वीनस एज एक्टिवेट हो जाती है ना. तो वीनस का एज एक्टिवेट होता है, मतलब उस एज पे वीनस एक्टिवेट हो जाता है. ओके तो वो तो कहीं भी बैठा है एक्टिवेट होगा, साथ में क्यों? और मैं तो बोला ही नहीं, मैं तो वीनस की बात ही नहीं कर रहा. आई एम आस्किंग माय सिंपल क्वेश्चन इज इफ सन इज इन सेवंथ हाउस शादी कब नहीं करनी, एट व्हाट एज, कौन से साल में शादी नहीं करनी चाहिए? तो 28 में, बट 20 नहीं, 22 में नहीं करनी चाहिए ना सन. सर 22 25 में नहीं करनी चाहिए. तो वो परेशान करेगा. जैसे ही वीनस एक्टिवेट होगा सेवेंथ हाउस एक्टिवेट होगा, जैसे ही सेवेंथ हाउस एक्टिवेट होगा वहां बेटे चंद्र, वहां बेटे सूरज देव वो उसको जला देते हैं. और जैसे ही वो उसे जलाएंगे उसका बैंड इफेक्ट किस पे आएगा? सूर्य सातवें घर में नीच का है, उसके फादर का बैंड बच जाएगा. तो इफ यू हैव सन इन सेवंथ हाउस डू नॉट मैरी एट द एज ऑफ 25. सर ये नेटिव के फादर का बैंड बजेगा? हाँ जी, जिसका सूर्य सातवें में, क्योंकि द रूल इज 25वें साल में वीनस एक्टिवेट होता जी. अब ये तो बताया है ना एक्टिवेशन एज में. लेकिन अभी हमने बात कहां करी कि जब वो प्लैनेट एक्टिवेट होगा तो वो हाउस भी तो ऑन होगा जिसको वो ऑन कर रहा है, जिसका वो सिग्निफिकेटर है. वीनस इज सिग्निफिकेटर फॉर सेवंथ हाउस. तो इफ यू हैव सन इन सेवंथ हाउस, अगर 25वें में शादी करी, वीनस विल एक्टिवेट. जैसे वीनस एक्टिवेट होगा योर सेवंथ हाउस विल बी एक्टिवेटेड. सेवंथ हाउस जैसे एक्टिवेट होगा उसे बेटा सूर्य देव जल उठेंगे और उसको जला देंगे. अब सूर्य सेवंथ हाउस में नीच का होता है, तो क्या करेगा? रिलेशनशिप को बर्न कर देगा. एम सन इज नेगेटिव, फादर पे बुरा असर होगा. साथ जैसे ही आप एक बात समझ लीजिए, पीपल हु हैव सन इन सेवंथ हाउस, अगर वो अकेला है तो 25वां साल फादर के लिए भारी है. अगर आपने शादी कर ली तो वीनस एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट होके सन गया. लेकिन क्या कभी आपने सोचा है सन के साथ मरकरी हो और आपकी एक बड़ी बहन हो और आपकी एज 17 साल हो और बहन की हो जाए शादी, अब कौन एक्टिवेट होगा? अब मरकरी. मरकरी मरकरी एक्टिवेट होगा, सन साथ में बैठा है. अब सन परेशानी में, क्योंकि साथ में जैसे ही सन एक्टिवेट होगा वो सब फिर वो दिक्कत करेगा, फिर फादर को, फादर इज इन ट्रबल. सर कैन यू रिपीट दैट इन इंग्लिश सर? यप, आई एम सेइंग इफ समवन हैज सन प्लस मरकरी टुगेदर इन सेवंथ हाउस एंड दिस जातका हैज ए एल्डर सिस्टर, शी इज अराउंड मैरिजेबल एज एंड there is a marriage of sister and this jataka who has sun plus mercury in 7th house
and the age of this person is 17 years. You know, the Mercury activation age is 34 and 17 both? Yes. Correct? Yes. So when Mercury activates at 34, Mercury also activates at the age of 17. When Mercury activates at the age of 17 and your sister or your father's sister or your mom's sister, Mercury is your father's sister, your mother's sister as well. If they are going to marry, your father is in trouble. After their marriage, seventh house will be activated. Venus and Mercury both are close friends. If Mercury is activated, it is sitting in the sign number, house number seven. It will activate Venus. Venus will be activated. Sun is sitting in seventh house. Sun will be activated. Sun is Nichka. Father is in trouble. Just after marriage, father will face the challenges in life. सर इसमें नेटिव को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा नेटिव का प्रॉब्लम का बात करेंगे मैडम अभी तो सूर्य का बात हो रहा है पहले फादर को फादर की बात करिए अब सोचिए वहां सूर्य नहीं बैठा था वहां बैठा था चंद्रमा तो प्रॉब्लम किधर आने वाला है मां को मदद क्यों मां को सर अगर मून होगा सेवंथ हाउस का वीनस एक्टिवेट होगा तो सर लक एक्टिवेट हो जाता है ना सर हाँ मैडम वीनस नहीं बोला मैंने बोला सन की जगह Moon ko rakho, Moon plus Mercury in 7th house. And then sister is getting married. There is a marriage of sister. Now Venus will be activated, it will activate. Mercury is activate, Mercury will activate. Venus, both together, things, Moon is my enemy. Ye Moon ko kharab karenge. And here, there are two chances. One, either mom will face health-related challenges or this child, this person will face health-related challenges. Or that age 17 year is for education. बोले बहन की शादी के बाद इसकी पढ़ाई में मनी हट गया. बताइए किसी का है क्या? Moon plus Mercury in 7th house. एक क्वेश्चन है. हाँ बोले दीदी. So suppose 7th में जैसे sun है तो it will activated at the age of 25, right? So it will remain activated. Sun नहीं रुक जाएगा. Venus activate होगा. अगर उस साल शादी करी तो Venus activate होगा. Venus activate किया तो sun गया. तो भी sun. Venus will remain activate after that or it will आपका सवाल बिल्कुल जायज है एकदम किसी की शादी 21 साल में होगी तो 25 साल में प्रॉब्लम आनी है उसको नहीं तो वीनस तो आप 21 में एक्टिवेट कर गए ना ओके तो सर उस समय भी तो सन एक्टिवेट हुआ होगा तो उस वक्त ही प्रॉब्लम आ गई गॉन अब जब वो एक्टिवेट होगा तो दूसरी मुझे बताएगी पहली नहीं आएगी पहली तो तब आ चुकी डबल हो गई इसलिए कहते हैं सन इन सेवंथ हाउस भैया 25 के बाद शादी करना पहले करना एक तो गम से बचो अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट तो दीज आर सम रूल्स ऐसे और बहुत सारे रूल्स हैं नाउ व्हाई ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट मैरिज Why we are not talking relationship? If sun is in 7th house, let us use the same rule. And you are into a relationship at the age of 17, 18, 19. आजकल तो बहुत common ही है. Father is in trouble. मतलब पढ़ाई में भी मन नहीं लगेगा. आप लोगों में से कई लोगों ने मेरे साथ वर्षफल का कोर्स किया कि नहीं किया? तो वर्षफल में अगर एक combination बताता हूँ, Venus in Lagna and sun in 7th house, क्या होगा? Father will be in trouble. Why? Venus Lagna is bad. Sun 7th house is bad. Venus 7th house will come and will make it worse. It's a enemy. It's like that. I'm not doing it wrong. Sir. Huh? Sir, one question is that if the marriage will be done, then both will get married. First, my question is a very important question. Venus in Lagna and Sun in 7th house, is it good or bad? Bad, sir. Why? Sir, Lagan mein Venus, wo Surya kharab ho gaya na, sir. Surya to 7th mein waise hi kharab hota hai. Aur wo 7th mein bhi kharab hai. Aur Venus 11th mein kharab hota hai. Bilkul. Ab kya karein? Sir, exchange ho gaya na, sir. Ram ji, kya exchange hua? Samjhaiye zara. Sir, significator, sir, Venus to 7th ka hai. और फर्स्ट हाउस का सिग्निफिकेटर सूर्य है तो सर ये तो एक्सचेंज हो गया यस सर आपका
सर लेकिन एक चीज हमें अगर वर्चुअल देखना उससे पहले हम इसकी प्लेसमेंट पर चार्ट में भी तो देखेंगे ना, तभी नहीं, तो नहीं, 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 मैं तो वर्चुअल की बात कर रहा हूँ, हमने तो सारी चीजों में बात करी इस कोर्ट में। ठीक है सर। नाउ राम जी माय अनदर क्वेश्चन फॉर यू। यस सर। वे बाकी लोग उस लॉजिक तक भी पहुंचे नहीं, भूल गए। वीनस इन फोर्थ एंड सन इन टेंथ, अब बोलो। सन खराब है ये नवे ओनर है सर, सन खराब है सर इसमें। और वीनस, वीनस भी है खराब सर, वो तो फोर्थ हाउस में है ही खराब। अच्छा? फोर्थ हाउस में सर, अरे फोर्थ हाउस में कब से राम जी कब से खराब है सर? कहते हैं दो दो होती है सर मैरिजेस के अंदर, दो मैरिजेस बताते हैं सर। तो मून डिपेंडेंट हो गया ना मैरिज। नो वी हैव टू सी द प्लेसमेंट ऑफ मून सर। यस यस यू नीड टू सी द प्लेसमेंट ऑफ मून। इफ मून इज गुड वीनस विल बी गुड, इफ मून इज गुड वीनस विल बी गुड। बताइए क्या होगा, बताइए क्विकली। इट विल बिहेव लाइक मून, इट विल बिहेव लाइक मून, यस एंड इट विल गिव ऑल द गुड रिजल्ट्स। इट विल गुड ऑल, इट विल थ्रो ऑल द गुड रिजल्ट्स टू सन, टू 10th हाउस, टू 10th हाउस व्हिच इज सन इज सिटिंग। यादव जी जस्ट फॉर 2 मिनट आई एम सेइंग मून इज इन लग्ना, इज इट गुड और बैड? मून इन लग्ना इज गुड, यस गुड। सो एंड द रूल फॉर 4th हाउस प्लैनेट इज, fourth house planet is, it is dependent on the moon. Yes. Clear? Yes. So Venus is good in fourth house, correct? Fourth house, yes. Good Venus is aspecting sun. Sun. Now tell me, sun is good or bad in 10th house? Dependent on Saturn, sir. Tell me normally, normally good or bad? Normally is not good in 10th house. Normally sun is not good, but there is a slight change in result if moon is supporting. If Saturn is good. Say Saturn is good. तो अच्छा हो जाएगा अगर Saturn दसवें घर का planet वैसा ही result देगा जैसे शनि होगा। शनि बैठा था भाई जी बहुत जबरदस्त जगह, सातवें में बैठा था, सातवें को तो मतलब सातवा शनि और दसवा सूर्य एक अलग तरह का फॉर्मूला है, छोड़ दोस्तों। बट मैं किसी और घर में ले लेता हूँ जहाँ शनि अच्छा होता है, 9th हाउस में भी शनि ठीक होता है, 11th भी ठीक होता है। तो शनि के की वजह से सूर्य खराब नहीं है। आप बताओ वीनस 4th एंड सन 10th क्या होगा? सर 10th में जुपिटर भी तो बन जाएगा मस्नू से? नहीं नहीं नहीं, जुपिटर मत बनाइए अभी, इतना ही बताइए। अच्छा रिजल्ट होगा। अच्छा एसके सर, आप वर्मा जी अभी हम आते हैं आपकी बात को सही है, उसमें जुपिटर बनेगा उसकी बात अभी करेंगे, लेकिन पहले फादर के साथ क्या होने वाला है, इज इट गुड और बैड? सर ये वीनस अच्छा हो गया मून फर्स्ट होने से, तो वीनस वहां जाएगा तो अच्छा ही करेगा सूर्य को, इतना तो गड़बड़ करेगा नहीं, कुछ तो बैड इम्पैक्ट को कम करेगा। सब लोग यही कहना चाहते हैं कि कुछ और भी कहना चाह रहे हैं? इट बिकम्स अ ब्लाइंड चार्ट आल्सो। औकात नहीं है कि सूर्य की स्पीड घटा दे। जिस दिन सूर्य ने एक इंच अपना डायरेक्शन बदला ना, हिल जाएगी, छोड़ दीजिए उसको। Sir, Saturn, Sun will behave like Saturn and Venus, and like is going to aspect the 10th house. So, Saturn yeah, it is life threatening for father. Pitaji ki jaan ko khatra hai. Sir, father ke saath kuch misunderstanding bhi. Misunderstanding bhi hai. Maine ye nahi kaha. Maine ye kaha father ki jaan ko khatra hai. Abhi kholiye chart apne virtual. और चेक करिए आपके फादर की ये प्लान, ये कॉम्बिनेशन किस साल में आया था, अभी खोलिए वर्चुअल पुराने। क्या आप में से कोई ऐसा है जिसका वीनस फोर्थ में और सन 10th बर्चार्ट में? तो हो ही नहीं सकता, भूल जाओ, वर्चुअल की बात करते हैं, आपस में साथ का दूर नहीं होते ना बर्चार्ट में, वर्चुअल में हो सकते हैं। मेरा सन वीनस कंजंक्शन है सर। हाँ सन वीनस कंजंक्शन है। कहाँ पर? लगन में। लगन की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा चौथे घर में वीनस और दसवें घर में सूर्य, खाली इसी की बात करो। बताइए खोलिए चेक करिए पिछले 20 साल का वर्षफल, क्लिक क्लिक करते जाइए सॉफ्टवेयर में, विल गो बैक एंड चेक
ये कॉम्बिनेशन किसके आया था, कब आया था, वो साल निकालिए, फादर की स्थिति बताइए क्या थी, क्विकली टेल मी। सॉरी सर, I use Red Astro. Raziji, we'll talk about it. You have a lot of questions, I will answer. Sure, sir. Sure. Thank you. Quickly, check it. People who have software for Zal Kitab Arshad, go and check. Is it going to happen? Tell me. So my Venus was there in 4th house in 2001, but Sun was in the 6th house. No. Saturn pehle ghar mein tha. 10th house ke baad acha chodiye you all know Lal Kitab aspect sabko pata hai na Sanjula ji yes you are saying father ko eye trouble Sanjula ji please unmute hello sir bataiye ye aapki kundli mein aaya tha venus 4th and sun 10th nahi sir main ye combination se bata rahi hu aapko combination chhod di okay मुझे तो ये पूछना है इन वर्सफल व्हेन वीनस वाज इन 4th हाउस सन वाज इन 10th हाउस आप लोगों में से किसी के चार्ट में आया था सर सर मेरे फादर के चार्ट में आया था सर कब जब वो 26 के थे लाइक 97 से 98 फेब 97 से फेब 98 तुम्हारे दादाजी के साथ क्या हुआ था हां तो वो मैंने अभी कंफर्म भी करा एक्चुअली तो उस समय एस सच एक लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट हुआ था लेकिन दादाजी के साथ कुछ नहीं हुआ था सर क्या इवेंट हुआ था रोबरी हुई थी सर नुकसान क्या हुआ था सारा गोल्ड चला गया था सर हमारे ज्वेलरी शॉप है गोल्ड तो सारा टोटल चला गया था 4 kg तो वो ज्वेलरी का शॉप किसका था टोटल दादाजी का था दादाजी का था हाँ मतलब उनका वो जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर थे तो वो लेके प्राउड एंड फन टाइप्स तो सारा इन्वेस्ट कर रहा था और वो चोरी हो गया यानी फादर के लिए अच्छा समय नहीं था हाँ सबसे बुरा था मैचिंग उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत कमाई कपूर साहब चली गई मैं ठीक कह रहा हूँ बिल्कुल सर यस कपूर साहब एक बात और पूछी थी यस सर पापा की शादी किस उम्र में होती उस समय हो चुकी थी कितना टाइम हुआ था 94 में हुई थी तो तीन साल लगभग तीन या चार साल 93 में हुई थी चार साल जी सर और साहब दादाजी के साथ ये ऐसा कॉम्बिनेशन बना फादर के साथ ट्रबल आ गई करेक्ट यस सर सो इज इट मैचिंग 100% आया था वीनस 4th हाउस एंड सन एंड मार्स इन द 10th हाउस मार्स भी था सर हाँ तो कुछ मार्स इज फ्रेंड ऑफ वीनस यस बैड इवेंट था वो साल फादर के लिए बहुत अच्छा था वो साल वेरी नाइस क्या गाड़ी खरीदी थी उस साल पापा ने नहीं हम लोग यूएस गए थे ट्रिप पे वेकेशन में यूएस गए थे फर्स्ट टाइम सो वीनस रिलेटेड चीजों ने अच्छा रिजल्ट दिया राइट जी 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 सर वीनस प्लस मार्स मेक्स क्या बनाता है इर्दबाटिया मून एंड सन बोथ आर फ्रेंड्स यस अच्छा यस थैंक यू थैंक यू हृदय जी सर ये तुम्हारा चार्ट था ना हाँ जी मेरा सर उस साल मम्मी को कोई परेशानी हुई थी मदर को नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं होगा पापा की मम्मी को नहीं नहीं वो तो पहले ही एक्सपायर हो गए okay. जी थैंक यू और पापा की मदर इन लॉ को यानी तुम्हारी नानी को हाँ मेरी नानी वो साल थोड़ी सिक थी क्या शी वाज नॉट शी हैड गॉट डेंगी व्हिच वाज क्वाइट डेंजरस शी वाज हॉस्पिटलाइज्ड बट शी रिटर्न्ड होम आफ्टर दैट
तो वो तो जो लाइफ थ्रेटनिंग पापा के लिए था वो तो दादी पे चला गया, मतलब तो नानी पे चला गया। सन प्लस मार्स बैड मून हो गया ना सर, और वो भी बड़े सा जॉब मिल गया आपको। हाँ जी जी सर, मिल गया। काम तो उसने किया, रिश्ता बदल दिया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, काम नहीं बदला, रिश्ता बदल दिया। पापा की जगह नानी को दे, दादी तो थी नहीं। जी जी करेक्ट करेक्ट सर, थैंक यू थैंक यू जी थैंक यू। इट वर्क्स, प्लीज अंडरस्टैंड, हमेशा रिजल्ट आएगा, पर जाएगा किधर, कहीं तो जाएगा। अगर दो प्लेनेट आमने सामने आ गए या एस्पेक्ट आ गया, तो उसका अपना रिजल्ट होगा, गुड और बैड, बट टू विद हुम और टू हुम, ये तो समझना पड़ेगा। चलिए एक और रूल बताएं। यस सर, इधर यस सर, दीपक जी क्या करें? मैं कह रहा हूँ सर, इसका लॉजिक बताइए। वीनस अच्छा हो गया, टेंथ में गया, सैटर्न भी हाँ अच्छा हो गया, भैया दसवें घर में चंद्रमा था तो सही, कहाँ अच्छा है? नहीं सर, केवल वीनस और सन की बात कर रहे हैं अगर हम, फोर्थ वीनस टेंथ सन, अच्छा वीनस मून लगन में बताया, सैटर्न इलेवन में बताया, दुश्मन है सर, वो खुद कितना ही अच्छा रिजल्ट दे दे दुश्मन को नहीं। हाँ जी, सो आई वॉज टॉकिंग कि व्हेनेवर टू प्लैनेट्स are opposing to each other or they are in aspect, हाँ? अगर दोनों दुश्मन अपना रिजल्ट जरूर देंगे, अपने दोनों दोस्त हैं अपना रिजल्ट जरूर देंगे, वो खुद हो सकता है अच्छे हो लेकिन किसी और के लिए खराब हो सकता है। बट सर, तो यहाँ पर वीनस को भी तो प्रॉब्लम होना चाहिए था ना सर, को क्यों होना चाहिए, क्योंकि सन है सर, कहाँ है, सन है किंग, सन प्लस वीनस का कॉम्बिनेशन में सर, कहाँ पर, टेंथ हाउस, अगर इफ दे बोथ आर एनिमीज सर, जैसे हम कह रहे सन और वीनस दोनों एनिमीज है, सन में हम फादर कह रहे हैं फादर को हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो सर वीनस में फिर पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को, या फिर मनीषा किधर चले गए आप, कहाँ चले गए, वीनस चौथे में था ना, हाँ जी, वो सन को देख रहा, सन ने वीनस को कब देखा, ओ सॉरी सर माय मिस्टेक, सॉरी सॉरी सर, टेंथ टेंथ प्रोफेशन का है, तो प्रोफेशन में किसी लेडीज को लेकर कोई इशू आ सकता है, ऐसा हो सकता है सर, हो सकता नहीं, हम तो रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं सर, अभी तो फादर की बात कर रहे हैं, बात करते करते यहाँ तक आए। एक और रूल बताते हैं, लाल किताब का एस्पेक्ट रूल, आई एम श्योर यू यू ऑल नो, इन मंथफल मर्करी इज एस्पेक्टिंग वीनस, हो सकता है कि नहीं, पहले तो ये बताओ, लाल किताब वर्षफल मर्करी एस्पेक्टिंग वीनस, यस बताओ, यस सर, हाउ सर, वो बर्थ चार्ट में अलग अलग होंगे तो हो सकता है, बर्थ चार्ट में अलग अलग होंगे तो हो सकता है, यस, तो टेक्निकली पॉसिबल है जी, ओके, एग्जांपल देके बताओ अलग अलग कैसे होगा, सर लाइक मेरी फादर की कुंडली में ही है मर्करी 12th में, लगन में शुक्र है, दोनों अलग अलग है, तो कभी ऐसा हुआ था कि किसी वर्षफल में कि मर्करी ने एस्पेक्ट से वीनस को देखा, सर ये सेम वर्षफल में हुआ था, पापा का चार्ट है, आगे सवाल नहीं पूछ रहा मैं, किसी और के चार्ट में बात करते हैं सर, इट डजंट मैटर सर, आप बोलो सर, रूल समझ में आना चाहिए, छोड़ देना आगे चलो। वैसे पारस, तुम वो रूल की बात नहीं कर रहे हो, यू आर सेइंग वीनस फोर्थ एंड मर्करी टेंथ, आई एम नॉट सेइंग दिस, आई एम सेइंग मर्करी इज एस्पेक्टिंग वीनस, ओके ओके ठीक है, तुम उल्टा समझ रहे हो, उल्टा हो ठीक है, वो उसकी इस रूल की बात नहीं कर रहा हूँ, इसमें तो वीनस ने सूर्य खराब किया, सूर्य खराब हुआ तो उसने सूर्य के साथ बैठे वाले प्लेनेट को खराब किया, रूल इज सूर्य के साथ जो प्लेनेट बैठेगा वो खराब होगा, तो एक्चुअली बिजनेस खराब हो गया, मर्करी बिजनेस, तो दैट इज ओके, छोड़ दो उसको, तो अनदर पॉइंट इज, नाउ मर्करी इज लुकिंग एट वीनस इन वर्षफल, यानी चौथे में मर्करी और दसवें में वीनस, ये हो सकता है, पहले में मर्करी सातवें में वीनस पॉसिबल है, तीसरे में मर्करी या नाइन्थ इलेवेंथ में या नाइन्थ में वीनस, फोर्थ मर्करी टेंथ वीनस, फिफ्थ मर्करी नाइन्थ वीनस, सिक्स्थ मर्करी ट्वेल्थ वीनस, और टू और सिक्स्थ मर्करी सेकंड वीनस, मर्करी ट्वेल्थ वीनस सिक्स्थ, अब वो रिवर्स एस्पेक्ट से, मर्करी नाइन्थ वीनस थर्ड रिवर्स एस्पेक्ट से, देखिएगा ना पॉसिबल है नहीं, बताइए, यस
देखिए जरा आप लोगों के किसके चार्ट में कभी ऐसे बना था क्या, जो क्विकली चेक करो। आई हैव दिस ईयर, दिस ईयर यस। ओके कौन कौन सा उसमें? थर्ड हाउस में मरकरी, 11th हाउस में वीनस, बट वीनस इज विथ सन एंड सैटर्न। तो ऐसे क्या हुआ है, सन और सैटर्न का ऐसे क्या हुआ है, छोड़ दो उसको। नीता मैडम आपके इस साल घर में शादी किसकी होने वाली है? सर अभी तक तो किसी की भी नहीं हुई, भतीजे के लिए देख रहे हैं। अच्छा देख रहे हैं। आपका बर्थडे कब आएगा? मेरा बर्थडे अभी मार्च में था सर, नेक्स्ट मार्च। अब नेक्स्ट मार्च में आएगा। हाँ हमको भी कार्ड दे देना मैडम। मार्च टू मार्च यस। शादी में बुलाओगे? यस सर जरूर जरूर सर। हाँ सागर जी। सर वाइफ का था थर्ड हाउस में सन प्लस मर्क्यूरी इन मार्च 2020 और वीनस 11th हाउस में। यार सन साथ में बैठा है, अकेले की बात करो। अकेला नहीं है सर, ये रूल अकेले में लगेगा। व्हेन मर्क्यूरी इज अलोन तभी हो, मर्क्यूरी अकेला देखेगा। सन जब भी वीनस को देखेगा तो वीनस कैसी तैसी करनी है उसको, खराब ही करना है। तो फिर मैं इसमें क्या बताऊं, ऐसा चार्ट नहीं देखा क्या? साढ़े एक हाउस में वीनस दूसरे में और मर्करी तीसरे में, अलग अलग हाउसेस में हो, ऐसा नहीं देखा चार्ट। ये रूल सिर्फ उसी चार्ट में लगा, किसी में नहीं देखा।